अब तक प्रदेश में 4,67,00,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। सीएम ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश आज के दिन तक 4,67,00,000 से अधिक लोगों को प्रदेश के अंदर कोविड टेस्ट कर चुका है। इसके साथ ही प्रदेश ने टेस्ट की क्षमता को काफी विकसित किया। आज उत्तर प्रदेश 3,00,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है और मुझे आप सबको बताते हुए संतोष की अनुभूति हो रही है कि पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 3,26,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। टेस्ट की क्षमता को कैसे विकसित किया जा सकता है, ये हम लोगों ने इस दौरान यहां पर तैयार किया है। लगातार पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी बढ़ी है। पॉजिटिविटी की स्थिति है कि प्रदेश के अंदर जो एक बार लगभग 17% तक पहुंच चुका था, आज वह घट करके 2 के आसपास आ चुका है। हमारे यहां जो एक्टिव केस 30 अप्रैल को 3,10,000 तक पहुंचे थे और एक दिन में सर्वाधिक केस आए थे, वह 24 अप्रैल को 38,000 से अधिक, आज वह घट करके प्रदेश में यानी न्यूनतम स्तर तक लाने में हमें सफलता प्राप्त। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में 12 साल से कम आयु वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए स्पेशल टीकाकरण शिविर लगेगा। पीआईसीयू एनआईसीयू के जिला अस्पतालों में स्थापना की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दी गई है। जनप्रतिनिधियों को भी इस कार्रवाई में जोड़ा गया है और अस्पताल गोद लेने को कहा गया है। थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम थर्ड वेव से पहले 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के अभिभावकों को अभिभावक स्पेशल बूथ स्थापित करके उन्हें वैक्सीनेट कर लें, उन्हें एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएं। आगे बढ़ेंगे। कल मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी से सुबह 10:25 पर पहुंचेंगे मिर्जापुर। कोविड कंट्रोल रूम का करेंगे निरीक्षण। मंडलायुक्त के सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक के बाद गांव का करेंगे निरीक्षण। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, जहां पर लगातार जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, एक्शन मोड पर दिख रहे कोविड को लेकर सीएम। और कल मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे सीएम। वाराणसी से सुबह 10:25 पर मिर्जापुर पहुंचेंगे और कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी सीएम द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और कोविड के रोकथाम के लिए चर्चा भी की जाएगी। बैठक के बाद गांव का भी निरीक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा। तो कल मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी से सुबह 10:25 पर मिर्जापुर पहुंचेंगे सीएम। कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा। तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी है। कोरोना के रोकथाम के लिए सीएम योगी एक्शन मोड पर है और जगह जगह पर सीएम निरीक्षण कर रहे हैं। कोविड कमांड कंट्रोल रूम के निरीक्षण सीएम द्वारा किया जा रहा है। गांव का भी निरीक्षण सीएम द्वारा किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। इन बैठक में कोविड के रोकथाम को लेकर बातचीत की जा रही है।